क्या हुआ यार, तूने ऐसा क्यों किया? बल्कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इधर आके कल्टीवेशन छोड़ के कुछ और ही व्यसन करने लगोगे। अरे काइलिन, वो क्या है ना, मैं बहुत दिन कल्टीवेशन करते करते बोर हो गया था और तुम भी मेरे साथ नहीं, तो मैंने सोचा इसी के साथ थोड़ा मजे कर लूं। वैसे भी लिटिल फेरी भी कहाँ गुम हो गई पता नहीं। खैर वो सब तो सही है, बट मैं अभी जाओ जाओ को क्या बोलूंगी? क्या मैं जाके ये बोलूंगी कि तेरा पापा मैजिकल बीस्ट के पीछे सटिया गए हैं? यार काइलिन मान जाओ, ऐसा मत करो। मैंने बस फेंक्विनर को टच ही किया था और तू आ गई इधर। बोल तो ऐसा रही हो कि तुम एकदम नादान हो। वैसे तो जिम्मा एम्पायर छोड़ते टाइम मेरे को गले नहीं लगा सके, इधर आके मैजिकल बीस्ट को गले लगाने के बड़ा मन कर रही है तेरा। अरे काइलिन बुरा मत मानो, आ जाओ गले लग जाओ। अरे भाई क्या ही बोलूं तुम लोगों को, आज मैं ऐसे कमेंट पढ़ रहा था, देन बहुत सारा मेरे को ऐसा कमेंट देखा जो कि ईस्ट पोस्ट के नीचे था, तो भाई मैं भी सोचा कि कुछ अलग सा बनाऊं। तो भाई पता नहीं मेरे दिमाग में ये सब कैसा आया, बट ऐसे ही मैं ये सब बना दिया यार। और भाई किसी को अगर अच्छा नहीं लगा ना तो भाई सॉरी यार, मैं ऐसे ही बना दिया था वो इंट्रो। तो हे कल्टीवेटर्स, वेलकम बैक टू अनदर बैटल रॉयल अबेंस वीडियो टॉपिक। तो वीडियो पे सीधे ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाया गया है तुम लोगों को जलाने के लिए, जिसके बाद शायद तुम लोगों को आएगा 400 वोल्ट का गुस्सा, जिसके बाद तुम लोग इस वीडियो पर करने वाले हो 5K लाइक। बस 5000 का टारगेट है एंड ये वीडियो बेसिकली कालीन और जवान के ऊपर है, तो तुम लोग को ये करना ही पड़ेगा। खैर हो सके तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट के बारे में तो मैं किसी को फोर्सफुली नहीं करूंगा क्योंकि भाई इस वीडियो की कमेंट बॉक्स मेरे को बजाने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने YT पे एक पोस्ट शेयर किया था जो कि बेसिकली कालीन और जवान की एक जिमा एम्पायर की कट सीन के ऊपर था, जो कि वो पोस्ट ये है। तो जैसे मेरे को ये पोस्ट मिला, मैंने YT पे शेयर कर दिया कि लोग देखेंगे, लाइक करेंगे और कुछ कुछ कमेंट करेंगे बस। बट भाई मेरे को का पता था कि इस पोस्ट को लेकर लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इवन भाई मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए कि इंस्टा पे भी लोग मुझे DM कर रहा है और बोल रहा है कि भाई अकेले मत देखो, हमें भी दे दो। साथ ही साथ मेरे को TG पे भी बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहा था कि भाई हमसे क्या दुश्मनी है, हमें भी दे दो, वो देख लेंगे। और भाई YT का जो कमेंट बॉक्स है उसके बारे में बोलो ही मत, खुद जाके देख ही सकते हो कितना भाई लोग भाई मेरे को क्या ही बोल रहा है। तो भाई सीधी सी बात ये है, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ कि इंडिया से जो चाइना की दूरी है वो तो गूगल बाबा के अनुसार 7,446 किलोमीटर लगभग है कुछ, बट वही चाइना से मेरे घर की डिस्टेंस अगर ऐसे कैलकुलेट करे, वैसे एड्रेस तो नहीं बताऊंगा, बट असम से चाइना कितनी दूर है वो कैलकुलेट करके आप मुझे बता देना। तो अभी के लिए अगर लगभग सोचे कि 5000 किलोमीटर दूर है, तो भाई इतनी दूर में बसा जो BTTH का जो स्टूडियो है वो थोड़ी ना मेरा ससुराल है, जो कि मेरे को पर्सनली कोई सीन फॉरवर्ड करके थोड़ी ना ऐसे बोलेगा कि अक्सम देख लीजिए मजे कर। और वही बात मान लो कि मेरा ससुराल वही पे है, स्टूडियो मेरा ससुराल है ठीक है, या तो किसी और रीजन से अगर मेरे को सेंड कर भी दिया तो कुछ ऐसा रीजन भी तो होना चाहिए जिसके लिए मैं तुम लोग को सेंड कर दूं। अरे ऐसे मजाक कर रहा था, वैसे औकात है नहीं। तो भाई तुम लोग को लगता क्यों है कि मेरे को अगर कोई सीन मिल जाएगा तो तुम लोगों को ऐसे शेयर नहीं करूंगा? तो भाई अगर मेरे को ऐसा कुछ सीन मिल गया तो मैं क्यों सेंड नहीं करूंगा भाई? और वही बात इस पोस्ट की, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि ये पोस्ट किस टाइम की है एंड क्या क्या होता है उस टाइम, वो सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा, बट पहले वीडियो को देखो। तो भाई पहली बात तो ये है कि मेरे को ये समझ नहीं आता स्टूडियो वालों की, वो लोग चाहते तो है कि कालीन और जवान के बीच थोड़ा दूरी बना के दिखाए, बट उन लोगों को कौन ही समझाए भाई कि वो लोग जितना कोशिश करते हैं दूरी बनाने की, ऑडियंस उतना ही पास जाता है। इवन लास्ट में जाके कुछ ऐसा हो जाता है कि उन लोगों को ना चाहते हुए भी वो सब कुछ सीन बाद में शेयर करना होता है जो कि उन लोगों ने कट किया था। एंड ये जो पोस्ट है इस टाइम पे क्या क्या होता है वो कुछ ही लोगों को पता है क्योंकि इसमें उतना बड़ा कांड होता नहीं है, बट भाई जिन लोगों को इसके बारे में पता था वो रियली बहुत हार्ट हुआ होगा। और भाई जैसे कि मैंने पिछली बहुत सारे वीडियो में बताया था कि इसके पीछे का रीजन दो हो सकता है, एक तो भाई ये एनिमे या तो दाऊहा कह लो ये सब कुछ है जिसकी वजह से ये किड की कैटेगरी में आता है। हाँ वैसे देखते तो ज्यादातर बड़े लोग ही है, फिर भी यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं दिखाना चाहता वो लोग। बट वही अगर दूसरा रीजन सच निकला कि ये लोग इनर की वजह से, मतलब इनर को मेन कैरेक्टर की सबसे दिखाना चाहता है इसीलिए बाकी का सीन अगर कट कर रहा है, तो तुम लोग को बहुत जल्दी एक धमाकेदार सीन देखने को मिलेगा जो कि आइस रिवर वैली के साथ जब जैन का फाइट होता है तब होता है। बात करें ईस्ट पोस्ट की, तो ये जब जिमा एम्पायर छोड़ के जावियान लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया के साथ वहां से निकल के चला आता है ये इनर एकेडमी, तब वहां पे जावियान और कालीन के बीच कुछ हग वग का सीन होता है। यहाँ पे कितने प्यार से हग करता है वो नोवेल पढ़ने वाले को पता है, बट वही अगर आपको भी इसके ऊपर जानना है तो आप लोग वीडियो का जो लाइक टारगेट है 5K वो कम्प्लीट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके एंड स्क्रीन में जो आप लोगों को वीडियो दिखाई देगा वो क्लिक करके देख लेना, क्योंकि इसके बारे में मैंने उस टाइम ही वीडियो बना के रखा था जब कट हुआ था। खैर वीडियो बहुत पुराना है सो उस टाइम पे वॉइस मेरा कुछ अजीब सा लगेगा तो एडजस्ट कर लेना। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंट्रो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।